हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी को अलमबूदा कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अलमबूदा कंपनी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, इसका वैकेंसी कैस कहाँ पे आता है, इसका काम क्या क्या काम ये कराता है, दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अच्छा कंपनी नहीं पा मिलता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, अच्छा सैलरी नहीं मिलता है, किसी कंपनी में जाते हैं तो फंस जाते हैं। उनके लिए मैं ये सब वीडियो बनाता रहता हूँ कि ताकि उनको कंपनी किसी भी कंपनी के बारे में नॉलेज मिले, जानकारी मिले और वो अच्छे कंपनी में जा सके। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं जब डालूँ जब संबंधित तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, इसलिए कि वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे अंत तक तो आप लोग कंपनी के बारे में आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि कैसा कंपनी है कैसा नहीं है। दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे जॉब के बारे में बताता हूँ, बहुत सारे वैकेंसी आता है यूरोप कंट्री के बाद, यूरोप कंट्री का, दुबई का, कतर का, ओमान का, अगर यानी ये साउथ अफ्रीका का भी मैं वैकेंसी के बारे में बताता रहता हूँ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ अलमबूदा के बारे में। दोस्तों अलमबूदा का बात करें तो अलमबूदा कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या क्या काम कराता है पहले आप सभी को बता देता हूँ। अलमबूदा कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत सारा काम कराता है, आप सभी को मैं डिटेल से बताता हूँ। फर्स्ट तो रोड कंस्ट्रक्शन, जो एयरपोर्ट पे भी वो काम कराता है। एयरपोर्ट जो दुबई एयरपोर्ट, बहुत सारे एयरपोर्ट दुबई में जो बने हुए हैं, शारजा है, दुबई है, अबू धाबी है, ये सब एयरपोर्ट है, उनका जो रनवे तैयार किया है, जो रनवे होता है वो रनवे तैयार किया है वो अलमबूदा ने ही किया है। रनवे भी तैयार कराता है, बहुत सारा ऑयल एंड गैस प्लांट में भी काम कराता है, इसका काम इराक में भी चलता है। दोस्तों ये अलमबूदा का काम बहुत सारे जगहों पे चलता है। दोस्तों ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी काम कराता है, बिल्डिंग सबसे ज़्यादा ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कराता है। अगर आप लोग मेसन हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, इस जब आप लोग इस संबंधित काम जानते हैं तो आप लोग के लिए कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। इसलिए कि और आप बिल्डर हैं, फैब्रिकेटर हैं, मेसन हैं, आप लोगों के लिए भी ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। ये कंपनी बहुत सारा काम कराता है दोस्तों, सैलरी भी अच्छा देता है। दोस्तों इसका सैलरी का बात करें तो मान लीजिए सपोज दैट हेल्पर का ले लीजिए दुबई के लिए, और इस कंपनी में हेल्पर में आप दुबई जाते हैं हेल्पर में तो आप लोगों को 1000 दिरहम देता है प्लस उसके बाद ओवर टाइम है। तो दोस्तों इसका सैलरी भी बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप लोग इसमें जाते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बहुत ही बेस्ट कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इसमें जाके काम कर रहे हैं, इस कंपनी में अगर आप एक बार चले जाते हैं तो 2 साल के बाद आपका सैलरी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, 2 साल के बाद सैलरी बढ़ता जाएगा। अगर आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा नॉलेज है, सब कुछ है तो आप लोगों का जो मान लीजिए आप मेसन हैं, कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, तो आप लोग अच्छा काम करेंगे तो आप लोगों को कंपनी 4 एंड प्रमोशन करेगा तो सैलरी बढ़ेगा। दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग इस कंपनी में चले जाते हैं तो लाइफ बन जाएगा। इसका काम इराक में चलता है, इराक में नॉर्मल सैलरी इसका $600 से स्टार्ट होता है इराक में। दोस्तों ये कंपनी अच्छा है। दोस्तों इसका रहने के लिए कैंप का बात करें तो कैंप बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक रूम में बेड भी तो इसका बहुत ज़बरदस्त रहता है, बेड भी आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा से बेड लगा हुआ है। तो इसका कैंप जो है सोनापुर में है, इसका कैंप सोनापुर दुबई में, सोनापुर में इसका कैंप है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, अगर आप लोग इसमें जाते हैं तो आप लोग कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगा, सब कुछ आप लोग को टाइम से मिलेगा। और दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अलमबूदा कंपनी में जाइए, आप लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। इसमें बिल्डर का सैलरी 1200 रहता है, 1200 से लेकर 1400 तक। अगर अच्छा बिल्डर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, गल्फ का एक्सपीरियंस है तो 1400 से 1500 दरहम आपका सैलरी लगेगा, उसके बाद ओवर टाइम है। इसमें 6 जो बिल्डर हैं उनका सैलरी है, आर्क बिल्डर हैं,
और जो इसमें मेसन है, कारपेंटर है, उनका सैलरी 1200 रहता है। 1200 दोस्तों सैलरी भी अच्छा देता है। अगर एक नॉर्मल हेल्पर जो 1000 सैलरी रहता है, वो सैलरी 1600 उठाता है, तो आप लोग सोच लीजिए आप लोगों को सैलरी कितना उठेगा। इसलिए कि ओवर टाइम बहुत ज़्यादा चलता है उसमें, ओवर टाइम बहुत ज़्यादा चलता है। ओवर टाइम करते करते उसमें आदमी सब परेशान हो जाते हैं कि हमको कभी छुट्टी मिले, छुट्टी नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस कंपनी में जाएँ, इस कंपनी में जाने से आप सभी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा कंपनी है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें।